जिन्ना को लेकर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई सियासी बयानबाजी अब बिहार पहुंच चुकी है। एनडीए के ही दो घटक दल भाजपा और जदयू इसे लेकर आमने सामने हैं। जदयू ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया है, तो वहीं गठबंधन में शामिल बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिन्ना का चिन्ह आजादी के 75 साल बाद भी देश की राजनीति से निकल नहीं पाई है। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी बिहार की सियासी बयानों से इसे जिंदा कर देती है। पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना को पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समान बताया था। वहीं अब बिहार में जदयू MLC खालिद अनवर ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना अखंड भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। खालिद अनवर के इस कमेंट पर NDA में शामिल एक और दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया है। जाहिर है जब जदयू जिन्ना को लेकर बयान देगी तो भाजपा पलटवार करेगी, लिहाजा खुद को हिंदुत्व के सहारे बैतरणी पार करने वाली भाजपा अपने सहयोगी के इस बयान से तिलमिलाती गई है। उन्होंने मुल्क की आजादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी ताकि हमारा देश आजाद हो, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और पहली कतार के जो फ्रीडम फाइटर हैं अपने देश के और यूनाइटेड इंडिया के, उसमें उनका नाम लिया जाता है और लिया जाना चाहिए। इसीलिए हमारा देश ने भी जब उनकी मौत हुई तो पार्लियामेंट में शोक सभा आयोजित की गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि सारे झंडे झुका दिए जाएँ, सारे MBCs पे झंडे झुकाए गए, पूरे इंडिया में शोक मनाया गया। तो उनके रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर थे, ये सच्चाई है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये बदकिस्मती है कि उन्होंने मुल्क को बंटवाया। जिन्ना क्या थे ये उन लोगों से पूछिए जो लोग बंटवारे के बाद अपने 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 स्वजनों को खोए थे। उन लोगों से पूछिए जिनका घर समाप्त हो गया था। उन लोगों से पूछिए कि जब वो पाकिस्तान से चलते थे और भारत की धरती पर आने के लिए तो बेटी के की इज्जत सुरक्षित रहे, इसलिए हाथ में जहर दे देते थे कि तुम जहर खा लेना लेकिन इज्जत को सुरक्षित रखना। उनसे पूछिए कि जब गोद की का बच्चा जब पानी के लिए बिलखता था तो माँ और बाप उसको अपना पेशाब पिलाने के लिए मजबूर हुआ करते थे। करोड़ों लोग पैदल आए गए और उसका दोषी, उसका अपराधी और उसको देश का नायक बताने वाले लोग शर्म करे अपने आप पर, अपने आप को वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इस देश में नायकों की कमी है कि हम खलनायकों का के नाम पर नायक बताने का काम करेंगे। देखिए भारत के विभाजन के अपराधी सिर्फ जिन्ना नहीं है, जिन्ना को अच्छा बताने वाले लोग भी हैं और सत्ता का लोलुपता में कांग्रेस के वो लोग भी हैं जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत के विभाजन को स्वीकार किया था। जाहिर है जब मुद्दा इतना बड़ा सियासी हो तो भला राजद और कांग्रेस इस पर चुप कैसे रह सकती है, लिहाजा विपक्ष इस बयानबाजी को UP चुनाव से जोड़कर देख रही है। उनका कहना है ये सब RSS के इशारे पर हो रहा है। इनको स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने कभी अपनी कुर्बानियां नहीं दी, जेल नहीं गए, भाजपा जदयू RSS चूंकि सावरकर के नीतियों के चलते देश का विखंडन हुआ, देश जो बंटवारा हुआ वो सावरकर के कारण हुआ। जो सावरकर के पोषक लोग हैं वो आज बयान दे रहे हैं, जदयू वाले गोदी में खेलते हैं, सावरकर की गोदी में खेल रहे हैं, RSS की गोदी में खेल रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं, क्या मतलब? चुनाव बगल में, चुनाव उसके मद्देनजर। ये सब समझता है, समझदार है दुनिया, धर्मनिरपेक्ष शक्तियां इन चीजों को समझती है कि धार्मिक उन्मादी जो दल है, भाषाई आतंक जो चेहरा है, उन सबको समझती है। तो मेरा मत साफ है कि उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति मेरी आस्था है जिनके कारण आज हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिन्होंने जान की बाजी लगाई, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किया, वो सभी लोग हैं। JDU के नेता हों या स्वयं नीतीश कुमार जी हों, उस आजकल RSS के मुद्दों के हिसाब से चलते हैं, RSS के एजेंडा के हिसाब से चलते हैं। और RSS का एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीत से पहले पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, आतंकवाद, जिन्ना पे चुनाव लड़े
वही भारतीय जनता पार्टी के MLC का बोले हैं, JDU के MLC बोले हैं। तो जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल मजबूरन RSS के सिद्धांतों पे चलने को मजबूर है। तो JDU का जो बयान है इस पर तो नीतीश कुमार को बयान देना चाहिए ना कि JDU के MLC के साथ वो खड़े हैं या नहीं है। अगर उनका बयान न आना यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने RSS के एजेंडे को कबूल किया है। लेकिन जनता महान है, बंगाल में उनको चने चबा दिया, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है और यह देश समान विचारधारा वाला व्यक्तियों का रहा है। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय राजनीति में जिन्ना को लेकर बहस छिड़ी हो। चुनावी माहौल में जिन्ना का जिन्न चिराग से बाहर आता रहा है। जाहिर है हिंदुस्तान की राजनीति में जिन्ना वोट बैंक का एक जरिया बने हुए हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों जिन्ना का जिन जोर पकड़े हुए है। दरअसल में NDA के दो बड़े घटक दल JDU और भाजपा के बीच जिन्ना को लेकर एक बहस शुरू हो गई। JDU कहती है कि जिन्ना इस देश के बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वहीं भाजपा कहती है कि JDU को इतिहास का गहन अध्ययन करना चाहिए। लेकिन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है, क्या वाकई में बिहार में विकास के सामने अब जिन्ना भारी पड़ते दिख रहे हैं? पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।